नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। भाजपा नेता पंकजा मुंडे ने भी अपनी अनदेखी को लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं ने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा तो महाराष्ट्र के 75% मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने यह जानकारी दी। वहीं मुंबई पुलिस ने नवी मुंबई में छापेमारी के दौरान कथित रूप से सेक्स रैकेट में धकेली गई 17 महिलाओं को छुड़ाया और दलाल के तौर पर काम करने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो उधर महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इसी बीच फिर हाथियों का झुंड एक दिन पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य के मानपुर तहसील के जंगलों में दिखाई दिया है। ये क्षेत्र गढ़चिरौली जिले की धानोरा तहसील के मुरुमगांव वन परिक्षेत्र से सटा हुआ है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भाजपा नेता पंकजा मुंडे ने भी अपनी अनदेखी को लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं ने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। जब कोई मंत्री बनता है तो उसे लोगों को संतुष्ट भी करना होता है। मैं आशा करती हूँ कि नए मंत्री लोगों के विश्वास पर खरे उतरेंगे। मैं भी लोगों में लोकप्रिय हूँ, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे मंत्री पद नहीं दिया गया। जब उन्हें लगेगा कि अब मैं योग्य हूँ तो वह जरूर मंत्री बनाएंगे। पंकजा मुंडे ने कहा कि कैबिनेट में महिलाएं होनी चाहिए। मैं इस बात की सराहना करती हूँ कि पिछले सरकार में मुझे महिला होते हुए भी ग्रामीण विकास का जिम्मा मिला था। महिलाओं को इस तरह के अवसर मिलने चाहिए। परली विधानसभा से चुनाव हारने के बाद पंकजा को उम्मीद थी कि भाजपा उन्हें विधान परिषद भेजेगी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। पिछले 3 साल से नेतृत्व उनकी अनदेखी कर रहा है। राज्यसभा चुनाव के वक्त चर्चा थी कि पंकजा मुंडे को राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इसके बाद पंकजा मुंडे ने समर्थकों ने कई जगह नाराजगी जाहिर की। देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। औरंगाबाद में एक समर्थक के आत्मदाह करने का भी प्रयास किया गया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि उनकी नाराजगी से सियासत गर्मा सकती है। महाराष्ट्र के 75% मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR ने यह जानकारी दी। राज्य में इस समय मुख्यमंत्री समेत 20 मंत्री हैं। इस विस्तार के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स और महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच ने 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान पेश किए गए इन मंत्रियों में शपथ पत्रों का विश्लेषण किया। विश्लेषण के अनुसार 15 मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं और 13 मंत्रियों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों को घोषणा की है। ये सभी मंत्री करोड़पति हैं और उनकी संपत्ति का औसत मूल्य 47.45 करोड़ रुपए है। ADR ने कहा कि सबसे अधिक कुल घोषित संपत्ति करने वाले मंत्री मालाबार हिल निर्वाचन क्षेत्र में विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा है, जिनकी संपत्ति 441.65 करोड़ रुपए है। सबसे कम कुल घोषित संपत्ति वाले मंत्री पठन निर्वाचन क्षेत्र से विधायक भूमरे संदीप राव आसाराम है, जिनके पास 2.92 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 8 मंत्रियों की घोषणा के अनुसार उनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं से 12वीं कक्षा के बीच है, जबकि 11 मंत्रियों ने स्नातक या उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता हासिल की है। इसके अलावा एक मंत्री के पास डिप्लोमा है। महाराष्ट्र के 4 मंत्रियों की आयु 41 से 50 साल के बीच और शेष मंत्रियों की उम्र 51 से 70 साल के बीच है। मुंबई पुलिस ने नवी मुंबई में छापेमारी के दौरान कथित रूप से सेक्स रैकेट के धकेली गई 17 महिलाओं को छुड़ाया और दलाल के तौर पर काम करने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि यह अभियान मुंबई पुलिस की मानव तस्करी रोधी इकाई ने 5 अगस्त को चलाया गया था। एक महिला द्वारा 4 अगस्त को मानव तस्करी रैकेट में शामिल राजू और साहिल नाम के 2 लोगों के खिलाफ शिकायत के बाद कार्रवाई की थी। महिला की शिकायत के अनुसार आरोपी अलग अलग राज्यों की महिलाओं को मुंबई में नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके लाते थे। महिलाओं को मुंबई लाने के बाद वह उन्हें पड़ोसी शहर नवी मुंबई के नेरुल में एक अज्ञात स्थान पर बंद कर देते थे और उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करते थे। आरोपी उन महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए लॉज और होटलों में भेजता था और अवैध गतिविधियों के जरिए पैसा कमाता था। कुछ ने मजबूरी के धंधे को स्वीकार कर लिया तो कुछ दलदल में बच निकलने के छटपटाती रही।
बहरहाल इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 370, 392, 344 और 346, 323, 506, 34 के अलावा अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम से संबंधित धाराएं प्राथमिकी में दर्ज की गई है। पुलिस ने बचाई गई पीड़ितों को महिला सुधार केंद्रों में भेज दिया है, जबकि गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस धंधे को संचालित करने वाले गिरोह के सरगना की तलाश जारी है। महाराष्ट्र के अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हनुमान चालीसा पाठ से जुड़े मामले में राणा दंपति एक बार फिर मुश्किलों में घेर सकते हैं। दरअसल दंपति इस समय जमानत पर है और अब उनकी जमानत रद्द किए जाने की मांग हो रही है। इसको लेकर अदालत 22 अगस्त को फैसला सुनाएगी। उन पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप है। इन आरोपों को लेकर मुंबई पुलिस ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की है। राणा दंपति पर आरोप है कि उन्होंने जमानत को लेकर कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने उनसे कहा था कि वे अपने केस को लेकर मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन राणा दंपति कथित तौर पर कोर्ट निर्देशों का उल्लंघन करते पाए गए हैं। दंपति ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास पर हनुमान चालीसा का जाप करने की घोषणा की थी। इसके बाद इनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करने के लिए देशद्रोह सहित कई आरोपों के तहत केस दर्ज किया था। दंपति को 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और 4 मई को जमानत दे दी गई थी। अदालत ने उन्हें जमानत देते समय मामले में संबंधित विषयों पर प्रेस को संबोधित नहीं करने का निर्देश दिया था। अदालत के आदेश में कहा गया है कि शर्तों के किसी भी उल्लंघन पर उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। गत वर्ष अक्टूबर माह में ओडिशा राज्य में छत्तीसगढ़ होते हुए गढ़चिरौली जिले के विभिन्न स्थानों पर दाखिल हुए जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया था। हाथियों का यही झुंड एक दिन पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य में मानपुर तहसील के जंगलों में दिखाई दिया है। यह क्षेत्र गढ़चिरौली जिले की धानुरा तहसील से मुरुमगांव वन परिक्षेत्र से सटा हुआ है, इसलिए किसी भी समय उनके जिले में प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। अक्टूबर 2021 में ओडिशा राज्य से गढ़चिरौली जिले में दाखिल हुई जंगली हाथियों के झुंड ने धानुरा तहसील के मुज्जलगोंदी समेत आसपास के गांव में बड़े पैमाने पर उपद्रव मचाया था। इस झुंड ने गढ़चिरौली जिले के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 5 महीनों तक निवास किया था। धानोरा तहसील के बाद कुरखेड़ा, देसाईगंज, आरमोरी और बाद में एक फिर धानोरा तहसील के गांवों में पहुंचकर उत्पात की घटनाओं को अंजाम दिया था। अक्टूबर और नवंबर माह में धान की कटाई की जाती है। इसी कालावधि में जंगली हाथियों ने किसानों की फसलों को तहस नहस कर दिया था। वही दिसंबर से जनवरी माह की कालावधि में ईंट भट्टी का कार्य किया जाता है। इन भट्टियों को भी हाथियों ने उध्वस्त कर दिया था। वन विभाग ने हाथियों के विशेषज्ञ टीम को गढ़चिरौली बुलवा कर हाथियों पर नजर रखी थी। इन दोनों कृषि कार्य भी जोरों से शुरू है। ऐसे में यदि हाथियों का झुंड गढ़चिरौली जिले में प्रवेश करता है तो लोगों को काफी सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। वन विभाग ने अलर्ट रहने की सूचना दी है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हार्ट अटैक आने के बाद से ही बेहोश है और वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। उनकी हालत में ना तो सुधार हुआ है और ना ही बिगड़ी है। हालांकि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आज दिल्ली राजद सुप्रीमो लालू यादव, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी से मिलेंगे। वहीं भारत सरकार ने पहली बार कनाडा में भी स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने के लिए कहा है। कनाडा में इंडो कनाडाई समुदाय की तरफ से 15 अगस्त पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो उधर स्वतंत्रता दिवस से पहले कश्मीर में आज फिर आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। दहशतगर्दों ने बांदीपोरा के सोदनारा संबल में गैर कश्मीरी मजदूर पर फायरिंग की। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने हथियारों और गोला बारूद की तस्करी में कथित संलिप्तता के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। देश भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हार्ट अटैक आने के बाद से ही बेहोश है, वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। उनकी हालत में न तो सुधार हुआ है और न ही बिगड़ी है। हालांकि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हार्ट अटैक के बाद भी उनका ब्रेन डैमेज हो गया है। डॉक्टर्स की टीम उनके स्वास्थ्य पर निगरानी बनाए हुए रखी है। राजू 2 दिन से बेहोश है। उनकी बेटी अंतरा श्रीवास्तव और उनके दोस्त सुनील पाल ने कुछ घंटे पहले राजू श्रीवास्तव का हेल्थ अपडेट जारी किया था और साथ ही उनके फैन से उनके लिए प्रार्थना करने की अपील की थी। बता दें कि राजू श्रीवास्तव को 9 अगस्त को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जाया गया। बाद में श्रीवास्तव की टीम ने पुष्टि की
कि वर्कआउट के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। टीम ने बयान में कहा था कि वह ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रहे थे जब अचानक गिर पड़े। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें लेकर उनके और अन्य लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही है। पूरे कॉमेडी जगत में लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राजू श्रीवास्तव की पत्नी से फोन पर बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कॉमेडियन के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए एम्स निदेशक को फोन किया। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई महागठबंधन सरकार के गठन के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज दिल्ली राजद सुप्रीमो लालू यादव, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी से मिलेंगे। माना जा रहा है कि वे बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार पर इन वरिष्ठ नेताओं की मुहर लगवाएंगे। वे विपक्ष के अन्य नेताओं से मिलकर महागठबंधन को विस्तार देने पर भी चर्चा कर सकते हैं, ताकि भाजपा व एनडीए के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर भी महागठबंधन बनाया जा सके। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव संभावित मंत्रियों के नामों की सूची लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। इसी पर वे शीर्ष नेताओं से मुहर लगवाएंगे। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में तेजस्वी यादव ने कहा था कि महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार होगा। दिल्ली में वे पिता लालू यादव के साथ राजद कोटे में मंत्रियों के नामों पर विचार करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि दिल्ली में कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात भी होंगी, जिन्होंने उन्हें डिप्टी सीएम बनने पर बधाई दी है। उनका राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। राजद सुप्रीमो लालू यादव दिल्ली के एम्स में इलाज के बाद बड़ी बेटी मीसा भारती के निवास पर रह रहे हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। खबर है कि भारत सरकार ने पहली बार कनाडा में भी स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजार करने के लिए कहा है। कनाडा में इंडो कनाडाई समुदाय की तरफ से 15 अगस्त पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इधर भारत में भी सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट जारी किया था। राजधानी ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने कनाडा के ग्लोबल अफेयर्स को यह जानकारी दे दी है। खास बात यह है कि कोविड-19 के चलते 2019 के बाद पहली बार व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ 15 अगस्त मनाने की तैयारी की जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि यह पहली बार है जब भारत ने स्वतंत्रता दिवस के लिए सुरक्षा अनुरोध का दायरा बढ़ाया है। अधिकारी ने बताया कि कनाडा के नागरिक इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों की मौजूदगी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हम इसे कनाडा का आंतरिक मामला मानते हैं, लेकिन हम कनाडा की अथॉरिटीज को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहते हैं। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि खालिस्तान और पाकिस्तान कश्मीरी समर्थक ऐसे कार्यक्रमों में खलन डालने की योजना बना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले कश्मीर में आज फिर आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। दहशतगर्दों ने बांदीपोरा के सोदनारा सुंबल में गैर कश्मीरी मजदूर पर फायरिंग की। गोली लगने से घायल मजदूर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। घाटी में पिछले 4 महीनों में 10 बार लक्षित हत्याएं की गई। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जून महीने में बड़ी बैठक की थी। घाटी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। इसके बावजूद निर्दोष नागरिक को जान गंवानी पड़ी है। बांदीपोरा में आतंकियों ने गैर स्थानीय मजदूर को निशाना बनाया। इस हमले में गोली लगने से मजदूर घायल हो गया। अस्पताल में उपचार के दौरान वह जिंदगी की जंग हार गया। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि हमलावरों की तलाश में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम तलाशी अभियान चलाया गया है। मृतक के भाई का कहना है कि रात करीब 12:20 बजे उसके भाई ने उसे जगाया और कहा कि फायरिंग शुरू हो गई है, लेकिन अमरेज आसपास नहीं था। हम लोगों को लगा कि वह शौचालय गया है। तलाश करने पर उसे खून से लथपथ पाया गया। इससे पहले 18 जून को आतंकियों ने पुलवामा में पुलिस के सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर की हत्या कर दी थी। फारूक मीर का गोलियों से छलनी शव उनके घर के पास धान के खेत में बरामद हुआ था। वह देर शाम खेत में काम करने गए थे। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने हथियारों और गोला बारूद की तस्करी में कथित सलीलता के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2000 जिंदा कारतूस समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। आरोपियों को दिल्ली के आनंद विहार से 2 बैग कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। 15 अगस्त के
मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यह कार्रवाई ऐसे समय पर की गई जब देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पुलिस ने पेट्रोलिंग और वाहनों की जांच भी तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि मेट्रो स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और बाजारों सहित दिल्ली के सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। होटल, पार्किंग और रेस्तरा की सघन जांच की जा रही है। किरायेदारों और नौकरों सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा है। विशेष पुलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले और कार्यक्रम स्थल तक जाने वाले मार्गों पर विभिन्न भूमिकाओं के 10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। हमने कड़ी और फल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। एजेंसियों की माने तो आतंकी संगठन दिल्ली को दहलाने की फिराक में है। चीन ने अब नेपाल को भी बर्बाद करने की ठान ली है। इसी कुछ सी चाल के तहत उसने इसी साल नेपाल को 118 मिलियन डॉलर कर्ज देने पर सहमति जताई है। तो श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कल सिंगापुर छोड़ दिया। राजपक्षे ने कुछ दिनों के लिए थाईलैंड लौटने की योजना बनाई है। वही बहामास का समुद्री इलाका काफी सुर्खियों में है। वजह है वहाँ पर पानी के अंदर मिला एक जहाज जो सैकड़ों साल पहले डूब गया था। इसमें से अंकुश संपत्ति का खजाना मिला है। इसी बीच दूसरे विश्व युद्ध के 7 दशक से भी अधिक वक्त बीत जाने के बाद इटली में 450 किलो का विशालकाय बम मिलने से लोग हैरान हो गए हैं। सेना के विशेषज्ञों की मदद से इस भारी भरकम बम को निष्क्रिय कर दिया गया है। तो उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। दुनिया भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चीन ने अब नेपाल को भी बर्बाद करने की ठान ली है। इसी कुछ चाल के तहत उसने इसी साल नेपाल के 118 मिलियन डॉलर कर्ज देने पर सहमति जताई है। यह कर्ज नेपाल के साथ सीमा पार रेलवे कनेक्टिविटी नेटवर्क बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से के तहत देने पर करार हुआ है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन इस साल रेलवे लाइन के सर्वेक्षण के लिए विशेषज्ञों को भेजेगा। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों विदेश मंत्रियों ने क्रॉस हिमालयन बहुआयामी कनेक्टिविटी नेटवर्क बनाने पर सहमति व्यक्त की है। इसके लिए चीन पैसे लगाएगा, रेलवे लाइन के लिए अध्ययन करने में नेपाल की मदद करेगा और एक साल के अंदर विशेषज्ञों को जांच के लिए नेपाल भेजेगा। बता दें कि ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क को ट्रॉस हिमालय नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। यह नेपाल और चीन के बीच एक आर्थिक गलियारा है। सूत्रों की माने तो नेपाल की सीमा पर ट्रॉस हिमालयी रेलवे प्रोजेक्ट का असली मकसद भारत को घेरना है, जिसके जरिए चीन तेजी से अपने सैनिकों को नेपाल की सीमा में भेज सकता है। नेपाल को भी यह अच्छी तरीके से पता है कि वह हिमालय में मुश्किल और महंगी सुरंगों के निर्माण की लागत चुका नहीं पाएगा, पर वह चीन की चंगुल में फंसता जा रहा है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कल सिंगापुर छोड़ दिया। सिंगापुर स्थित आवर्जन कार्यालय ने कहा कि इमिग्रेशन एंड चेक पॉइंट्स अथॉरिटी ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार राजपक्षे ने कुछ दिनों के लिए थाईलैंड लौटने की योजना बनाई है। इससे पहले थाई विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की थी कि राजपक्षे को थाईलैंड जाने का अनुरोध मिला है। उन्होंने यहां रहने को शरण नहीं मांगी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि थाईलैंड को राजपक्षे के राजनयिक पासपोर्ट से कोई समस्या नहीं है। राजनयिक पासपोर्ट पर गोटाबाया राजपक्षे 90 दिनों तक थाईलैंड में रह सकते। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति के थाईलैंड में शरण लेने को लेकर श्रीलंका सरकार से अब तक कोई बयान नहीं आया। प्रवक्ता ने कहा कि यह एक मानवीय मुद्दा है, हमने वादा किया है कि यह एक अस्थायी प्रवास है। इस दौरान गोटाबाया को किसी तरह की राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। श्रीलंका सरकार ने भी उनसे इस यात्रा का विरोध नहीं किया है। यहाँ थाई सरकार उनके लिए स्थायी आवास की व्यवस्था नहीं करेगी, इसलिए उनके इस यात्रा से कोलंबो के साथ टकराव नहीं होगा, क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने सत्ता में रहते हुए उनके लिए काम किया था। मंत्री ने कहा कि राजपक्षे के ठहरने के लिए एक शर्त यह थी कि वह थाईलैंड के लिए समस्या पैदा न करे। बहामास का समुद्री इलाका काफी सुर्खियों में है। वजह यही कि वहां पर पानी के अंदर मिला एक जहाज जो सैकड़ों साल पहले डूब गया था। 4 जनवरी 1656 का स्पेन का यह समुद्री जहाज क्यूबो से सिविल जा रहा था। शुरू में तो सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जब जहाज बहामास पहुंचा तो वो एक चट्टान से टकराया। इसके बाद जहाज में पानी भरना शुरू हुआ और वो कुछ ही देर में पूरी तरह से पानी में समा गया। उस दौरान ज्यादा हाईटेक उपकरण नहीं थे, इस वजह से उसकी खोज नहीं की जा सकी। यह घटना
लिटिल बहामा बैंक के पास हुई थी। घटना के करीब 360 साल बाद एक टीम ने इस जहाज को खोज निकाला। जब वो इसके अंदर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। ये पूरा जहाज खजाने से भरा हुआ था, जिसमें से बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे, मोती और अन्य रत्न निकल रहे हैं। अभी तक पन्ना, नीलम, 3000 चांदी के सिक्के, 25 सोने के सिक्के, लोहे की तलवार, धार्मिक चिन्ह, 887 ग्राम की सोने की चेन आदि मिले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बहुमूल्य चीजें किसे मिलेंगी। जानकारों के मुताबिक ये सब बहुत ही दुर्लभ चीजें हैं, जिसको बेचा या फिर नीलाम नहीं किया जाता है। इसलिए इसे बहामास मैरिटाइम म्यूजियम में रखा जाएगा, जिसे लोग देखकर अपने इतिहास को जान सकेंगे। फिलहाल खजाने को देखकर आंखें चौंधी आ रही है। दूसरे विश्व युद्ध के 7 दशक से भी अधिक वक्त बीत जाने के बाद इटली में 450 किलो का विशालकाय बम मिलने से लोग हैरान हैं। सेना के विशेष योगों की मदद से इस भारी भरकम बम को निष्क्रिय कर दिया गया और नियंत्रित विस्फोट को अंजाम दिया गया। दरअसल पूरे यूरोप का गर्मी से बुरा हाल है। फ्रांस, ब्रिटेन और इटली जैसे देश अप्रत्याशित गर्मी से जूझ रहे हैं। नदियां सूख रही है। इसी दरमियान पो नदी का जलस्तर बहुत कम हो गया है। इस दौरान 25 जुलाई को नदी में मछली पकड़ने पहुंचे मछुआरों को लोम्बर्डी के उत्तरी गांव में बोर्गो वार्जिलियो के पास पो नदी के तट पर यह बम मिला। बम को निष्क्रिय करने से पहले आसपास के इलाके में रहने वाले 3000 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। इसके बाद इलाके के हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, आसपास के रेलवे, सड़कों और नदी पर यातायात पर भी रोक लगा दिया गया। अच्छी बात रही कि प्रशासन सबको मनाने में कामयाब रहा। इसके बाद बम निरोधक इंजीनियरों ने अमेरिके के बने इस विशालकाय बम से फ्यूज को हटा दिया। उनके मुताबिक 450 किलो के इस बम में लगभग 240 किलोग्राम विस्फोटक था। बम को निष्क्रिय करने के लिए पुलिस के साथ बम दस्ता उपकरण को लगभग 45 किलोमीटर दूर एक स्थानीय खदान जाना पड़ा। प्रक्रिया सुरक्षित होने के कारण किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर दीला लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। फ्रांस की सरकार थरूर के लेखन और भाषणों के चलते उन्हें इस सम्मान से नवाज रही है। भारत में फ्रांस के राजदूत एमन्युएल लेलेन ने थरूर को लिखित रूप से इस सम्मान के बारे में जानकारी दी। शशि थरूर ने ट्वीट करके कहा कि फ्रांस के साथ रिश्तों को महत्व देने वाले, भाषा से प्यार करने वाले, संस्कृति की प्रशंसा करने वाले व्यक्ति के रूप में इस तरह से सम्मान दिए जाने को लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं उन लोगों का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे इस सम्मान के लायक समझा। कई दलों के नेताओं ने थरूर को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए बधाई दी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, सांसद मोहम्मद जावेद और कई अन्य नेता थरूर को बधाई देने वालों में शामिल है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं यह सुनकर बहुत ही उत्साहित हूँ कि थरूर को उनकी असाधारण विद्वत्ता और ज्ञान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। ट्विटर पर इसका जवाब देते हुए थरूर ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, सम्मान का हमेशा स्वागत है, आपकी प्रशंसा इसे और अधिक मूल्यवान बना देती है। बता दें कि शशि थरूर केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट का वह प्रतिनिधित्व करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में 23 साल तक राजनयिक के तौर पर उन्होंने काम किया है। वह कई फ्रिक्शन और नॉन फ्रिक्शन किताबों के लेखक भी है। तो बीकेबी न्यूज के आज के इस खास पेशकश में अब बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।